नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष नहाके हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल संतोष नहाके पे आपका स्वागत है। तो वो हर बार की तरह आपको आज प्रेजेंट के 15 सेंटेंस और पास्ट के 15 सेंटेंस लिखना है हिंदी और इंग्लिश में। तो प्रेजेंट में 4 सबटेंस आते हैं, 4 उपविभाग, जैसे कि ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो इस तरीके के प्रेजेंट के 4 फॉर्म हैं। उसके बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आज हम वर्ब लेंगे लाफ। लाफ यानी होता है हंसना, तो इसका लाफ में है LAUGH, लाफ। दूसरा है V2, तो लाफ्ड, V3 लाफ्ड और V4 लाफिंग। तो इसके सिनोनिम्स नीचे दिए गए हैं, आप इसे याद कर लीजिए। तो इसके बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसको यूज़ करेंगे, तो जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में शी लाफ्स, ही शी ईट के साथ में एस या ईएस लगता है वर्ब को। शी लाफ्स, वह हंसती है। शी डज नॉट लाफ, वह नहीं हंसती है। डज शी लाफ, क्या वो हंसती है। व्हाई डज शी लाफ, वो क्यों हंसती है। व्हेन डज शी लाफ, वह कब हंसती है। तो WH में आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ 5 सेंटेंस हर इसके लिखना है, पर बोलना ज़्यादा है। तो इसके बाद में है प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू में शी इज़ लाफिंग, वह हंस रही है। शी इज़ नॉट लाफिंग, वह नहीं हंस रही है। इज शी लाफिंग, क्या वह हंस रही है। व्हाई इज शी लाफिंग, वह क्यों हंस रही है। हाउ इज शी लाफिंग, वह कैसे हंस रही है। व्हेन इज शी लाफिंग, व्हेन इज शी लाफिंग का मतलब हाँ वह कब हंस रही है। और फिर इसमें कौन, तो हु इज़ लाफिंग, ऐसे सेंटेंस होगा इसका, हु इज़ लाफिंग। और फिर व्हेन इज शी लाफिंग, हाउ इज शी लाफिंग। तो इसके बाद में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा शी हैज़ लाफ्ड, वह हंस चुकी है, वह हंसी है। शी हैज़ नॉट लाफ्ड, वह नहीं हंस चुकी है। हैशी लाफ, क्या वह हंस चुकी है। व्हेन हैशी लाफ, क्या वह हंस चुकी है। व्हेन हैशी लाफ्ड, वह कब हंस चुकी है। वेयर हैशी लाफ, वह कहाँ हंस चुकी है। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश और हिंदी में सेंटेंस लिखना है। उसके बाद में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में शी हैज़ बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें सिंस या फिर फॉर यूज़ होता है। तो वह सुबह से हंस रही है। शी हैज़ नॉट बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं हंस रही है। तो आपको सिंपल के 5, कंटिन्यू के 5 और परफेक्ट के 5 हिंदी और इंग्लिश में लिखना है, नीट एंड क्लीन, अच्छे राइटिंग में। उसके बाद में आएगा पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू आता है। तो आई लाफ, मैं हंसा। आई डिड नॉट लाफ, मैं नहीं हंसा। डिड आई लाफ, क्या मैं हंसा। व्हाई डिड आई लाफ, मैं क्यों हंसा। व्हेन डिड आई लाफ, मैं कब हंसा। या मैं हंसता था, मैं हंसती थी, इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। और फिर पास्ट कंटिन्यू में आएगा शी वॉज लाफिंग, शी वॉज लाफिंग, वह हंस रही थी। शी वॉज नॉट लाफिंग, वह नहीं हंस रही थी। वॉज शी लाफिंग, क्या वह हंस रही थी। व्हाई वॉज शी लाफिंग, वह क्यों हंस रही थी। व्हेन वॉज शी लाफिंग, वह कब हंस रही थी। इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यू में सेंटेंस। और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो शी हैड लाफ्ड, वह हंस चुकी थी, वह हंसी थी। शी हैड नॉट लाफ्ड, वह नहीं हंसी थी। हैड शी लाफ, क्या वह हंसी थी। व्हाई हैड शी लाफ, वह क्यों हंसी थी। व्हेन हैड शी लाफ्ड, व्हेन हैड शी लाफ्ड, मतलब वह कब हंसी थी। इस तरीके से आपको इंग्लिश और हिंदी में सेंटेंस इसके लिखना है। इसके बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, तो इसके भी आपको सेंटेंस बनाना है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड बनाइए। धन्यवाद।